दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये इस चीज का प्रमाण है कि इस दुनिया के पैमाने के ऊपर महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं वो लड़ाई और संघर्ष की बदौलत मिले हैं। आवाज बुलंद करते हुए हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और इसी कड़ी के अंदर 1857 के अंदर न्यूयॉर्क और शिकागो के अंदर सबसे पहले कपड़ा मिल के अंदर जो महिलाएं काम करती थी उन्होंने अपने शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसी मौके पर यूरोप के अंदर भी पहली बार महिला बराबरी के मुद्दों पर बातचीत होनी शुरू हुई थी। और क्लारा जेटकिन, हम जिसको महिला आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय जनक कह सकते हैं, उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 1910 के अंदर। और उसी दिन तय किया गया कि हम पूरी दुनिया के अंदर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएंगे। उस समय से आज तक अलग अलग रूप हो सकते हैं इस दिन को मनाने के लिए, पर पूरी दुनिया के अंदर एक ही दिन महिलाओं के नाम कि 8 मार्च जो ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये इस चीज का प्रमाण है कि इस दुनिया के पैमाने के ऊपर महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं वो लड़ाई और संघर्ष की बदौलत मिले हैं। एक एक अधिकार जो है वो महिलाओं ने अपने संघर्षों से जीता है यहाँ पे। और इस नज़र से पिछले 8 मार्च से लेके आज तक अगर बात करें तो अपने रोहतक के अंदर ही देखो, सबसे जो कड़े संघर्ष जो लड़े गए हैं यहाँ पे वो किसने लड़े हैं, वो यहाँ की महिलाओं ने लड़े हैं। साथियों, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्राएं हैं हमारी, उन्होंने कर्फ्यू टाइम जो लगाया जाता है कि 8 बजे के बाद लड़कियां होंगी अंदर और जो भी शोध है गुंडागर्दी करने वाले हैं वो सारे छूटे, मतलब घूमेंगे यहाँ पे, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो डेलीगेशन से भी बात करना पसंद नहीं करता, उसको जो है रात के 12 बजे वहां पे सड़क के ऊपर बिठा दिया लाके, और बिठाया ही नहीं, ये मांग पूरी करवा ली कि भी लड़कियों के लिए भी जो है 10 बजे तक वो लाइब्रेरी जा सकती हैं और अपना जो भी पढ़ाई का काम करना चाहे वो कर सकती हैं। और इसके ऊपर हम ये कहना चाहते हैं बहनों कि लड़कियां भी सारे एक जैसे नहीं है, उनके अंदर 5-6% लड़के हैं। अगर उनके लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए असल में तो किसी को फिर डर भी ना रहे, असुरक्षा का सवाल भी ना रहे, उनके खिलाफ असल में कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने यहाँ पे आइसिंग फैक्ट्री के अंदर जो आंदोलन चला, यहाँ पे लड़कियाँ जो है 21 साल की लड़की, 23 साल की लड़की, 26 साल की लड़कियाँ जो है, उन्होंने अपने मजदूरी और काम के लिए जो है यहाँ पे आंदोलन चलाया। और उसके अंदर हमारे जो साथी हैं, हमारी सेक्रेटरी साथी अंजू जो है, वो भी जेल के अंदर रह के आई है, यहाँ पे जेल में रहे वो 3-4 दिन। हम इतने सालों से यहाँ पे लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, अब तक हम तो जेल जाने का हमें मौका नहीं मिला, पर उसके रात को हम 11 बजे वहाँ जरूर फूलों की माला लेके पहुँचे थे कि भी जो लड़कियाँ जेल में गई अपने हकों के लिए वो असल में हमारी बहादुर औलाद हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथियों, तो वो जो आंदोलन है, हालांकि आज भी उसकी जो मांगे जो है वो बीच में लटकाई हुई है सरकार ने, पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन पूरे हरियाणा के पैमाने पे, पूरे देश के पैमाने पे और पूरी दुनिया के पैमाने पे सबसे सक्रिय अगर कोई आंदोलन है इस दुनिया के अंदर तो वो महिलाओं का आंदोलन है। सबसे सक्रिय एजेंसी की तरह से आज वो सामने आ रही है यहाँ पे। इसके साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते बहनों कि हमारी बहुत सारी बहनों के अरमान कत्ल भी हुए यहाँ पे, जिनके हम गवाह हैं, मतलब जिनके परिवारों के सदस्य भी हमारे साथ हैं। बलात्कार हुआ बच्ची के साथ, बलात्कार के बाद हत्या हुई, जो घरों में काम करने वाली थी नीतू उसके साथ जो है बलात्कार और हत्या हुई उसकी, और कितने ही केस ऐसे हुए हैं। उनके ऊपर जब पेश निकल रही थी प्रशासन के सामने तो हमने जो है वो जन सुनवाई आयोजित करी यहाँ पे,
और जन सुनवाई में क्या निकल के आया, उसमें निकल के ये आ रहा है कि जो अपराधी हैं, जो शोदे हैं, वो उनको निशाना बना रहे हैं आज के दिन, जो सबसे कमजोर नजर आती हैं, जो या तो दूसरे राज्यों से यहाँ रोटी रोजी के लिए अपने बाल बच्चों को लेके आने के लिए मजबूर हुए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स की बच्चियां, उनकी लड़कियां जो हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, दलित परिवारों से जो हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो गरीब से गरीब हैं जिनका ये पता है कि पलटवार करने की क्षमता नहीं है, उनकी महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है यहाँ पे। और जो पुलिस जो है, पुलिस समय पे कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस सरकाऊ रवैया अपनाती है। सभी परिवारों ने हमें ये बताया जन सुनवाई के अंदर कि वो सही समय पे जाकर उन्होंने पुलिस को शिकायत करी, लेकिन पुलिस जो है वो तकाने लगी कि आप 10 रुपए का प्रसाद बांट लो, रिश्तेदारी में पता कर लो, इधर ढूंढ लो उधर ढूंढ लो, और हिली नहीं अपनी जगह से पुलिस जो है, और इसकी वजह से उनकी हत्याएं भी हुई, हमले तो हुए ही जो है। इसके साथ साथ जो भी परिवारों को अपना न्याय का संघर्ष लड़ने के लिए जो आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, उसके ऊपर हमने देखा कि तमाम तरह की ढिलाई, चोरी और लटकाऊ रवैया यहाँ पर शासन के स्तर पे चल रहा है साथियों। और इसी की वजह से कल से आप देख रहे होंगे टेलीविजन के ऊपर, इतनी शर्म आती है पढ़ के कि बार बार ये लाइन आ रही है कि हरियाणा में आए दिन 4 लड़कियों के साथ, 4 महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहे हैं, गैंग रेप जो वो लाइन वहां पे चल रही है साथियों। ये इसके लिए जिम्मेवार जो है यहाँ के प्रशासन और यहाँ की जो मशीनरी दूसरी जिनकी पूरा महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो उसके लिए जिम्मेवार है, वो बच नहीं सकते, और उनकी जवाबदेही जो है वो हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी साथियों। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि पिछले दिनों अभी ये आंगनबाड़ी यूनियन की बहनें यहाँ पे हैं, हम वहाँ पे उनके साथ बातचीत करके आए, बोल के आए वहाँ पे जाके। आशा वर्कर्स जो है उन्होंने पिछले दिनों इतना अच्छा यहाँ पे लड़ाई लड़ी है, संघर्ष लड़ा है। इसी तरह से मदर ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो हमारे भी आंदोलन में है साथियों। और ये जो मतलब आज 8 मार्च के दिन हम भूल नहीं सकते इस बात को, रोज हमारी साथी जो है कोई उसने गांव नहीं छोड़ा होगा, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा होगा, हार्डली कोई बचा होगा, जहाँ पे जाके उसने आंगनबाड़ी की यूनियन बनाने के लिए आह्वान ना किया हो उस तरह से। इन सारे आंदोलनों के साथ हमारी जनवादी महिला समिति और अपने सहयोग जो है वो शामिल है साथियों, लेकिन उसके बावजूद जो है अब मतलब तमाम तरह का जो भेदभाव, जो कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, वो मांगे जो है वो पूरी नहीं कर रही है सरकार, और हमें इनके साथ जो है अच्छा एक संबंध बनाने की जरूरत है साथियों। जो एस्पिरेशंस है महिलाओं के यहाँ पे, उन एस्पिरेशंस के साथ अपनी जो एस्पिरेशन है उनको एकदम एक करना पड़ेगा, जहाँ पे जो भी गुत्थियाँ हैं उनको सुलझाना पड़ेगा। जिन आंदोलनों को खड़ा करने के लिए हमने अपना खून पसीना लगाया है, अपने संगठन ने खून पसीना लगाया है, आज उनके साथ जो है हमारे ताल्लुकात इस तरह के भरोसेमंद बनने चाहिए साथियों। ये समय की मांग है, और उन आंदोलनों को मजबूती देंगे तो कल को पूरे मतलब लैंगिक भेदभाव के खिलाफ हरियाणा के अंदर जो है एक फिजा बनेगी यहाँ पे। ये भी मतलब हमारा दावा बनता है इस चीज के ऊपर साथियों। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह की नीतियां अपनाई गई थी देश के पैमाने पे, महिलाओं के लिए जो काम जो है वो काम बिल्कुल बेरोजगारी का आलम बना है। 10% महिलाएं काम से बाहर फेंकी गई है, और वो कौन महिलाएं हैं? वो है जो सबसे गरीब और सबसे नीचे तबके के लिए काम करती हैं, वो महिलाएं हैं। और जहाँ पे सरकारी विभागों के अंदर भी जो काम कर रही है महिलाएं, उनको जो है यौन शोषण विरोधी कमेटियां नहीं बनी हुई है, उनकी वर्किंग कंडीशंस जो है वो बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे, और वहाँ पे भी जहाँ संगठित क्षेत्र में भी जो महिलाएं काम करती हैं वहाँ समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा। हरियाणा जैसी जगह के ऊपर कितनी महिलाएं अपने घरों में बैठ के होम बेस्ड वर्क करती है, मतलब छोटी छोटी बिंदिया चिपकाने का, कच्छे सिलने का ये काम करती है, उनको पूरे दिन मतलब हार्ड कार्य करके उनको जो वेतन मिलता है वो कहीं जाके 10-15 रुपए मतलब भिड़ता है उनका, जो बच्चे भी लग जाते हैं, परिवार भी लग जाता है उसके अंदर। नरेगा के अंदर गांव के अंदर सबसे गरीब और विधवा और दलित महिलाएं जो है
उसे मजबूर जो है वो वहां पे काम करती है, लेकिन दिहाड़ी पूरी नहीं दी जा रही है। वहां पे काम करवा लेते हैं सबको, एक महीने में तनख्वाह देंगे जो कर्मचारी है, लेकिन जो सबसे जरूरतमंद है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करती है, मतलब उनको जो है उनका तनख्वाह लटका ही रखते हैं 7-7, 8-8 महीने जो। और हमें बिल्कुल पता है कि जब भी हम जिस मोहल्ले के अंदर जाते हैं वहां पे हमारी बहनें क्या कहती हैं कि हम आपके लिए जनवादी महिला समिति की तरफ से क्या कर सकते हैं, तो उनका एक ही होता है कि जी कुछ काम मिल जाए ना, थोड़ा सा ना जो है मतलब तो एक कप दूध का भी मिल जाए।